हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कवलजीत और आज मैं आपके सामने एक टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है हाउ टू कॉप अप विद योर एडिक्शंस। फ्रेंड्स, एडिक्शंस वर्ड से हमें क्या पता चलता है? एक घंटी से बजती है दिमाग में एडिक्शंस। कई लोग समझते हैं कि सिर्फ दारू का एडिक्शन या नशे का एडिक्शंस, ये सब एडिक्शंस जो हैं यही दिमाग में आता है। लेकिन फ्रेंड्स, इससे ज़्यादा और इससे बहुत लंबे समय तक हमारे साथ कई ऐसे एडिक्शंस हैं जो हिडन रूप में हैं और हमें पता ही नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ ऐसे एडिक्शंस हैं जो कि हमारी नॉर्मल लाइफ में थोड़ा थोड़ा करके हमारी लाइफ को हमसे छीनते हैं। और फ्रेंड्स, इनको मैं कहता हूँ कि एक पीठ पीछे खंजर भोंकने वाले एडिक्शंस। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से हमारे जो एक छोटे छोटे चोर होते हैं हमारे, वो होते हैं एडिक्शंस। तो कुछ एडिक्शंस के फ्रेंड्स मैं एग्जांपल आपको देना चाहूँगा। जैसे कि फ्रेंड्स, हमें इंटरनेट का एडिक्शन होता है, कुछ लोगों को शॉपिंग का एडिक्शन होता है, कुछ लोगों को फूड का एडिक्शन होता है, कुछ ऐसी चीज़ खाने का या जंक फूड खाने का एडिक्शन, और कुछ लोगों को तो यहाँ तक कि मेडिसिंस खाने का भी एडिक्शन होता है। बिलीव मी गाइस, कुछ लोग जो है मेडिसिंस को भी एक एडिक्शन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और कुछ लोग अच्छे के लिए भी सोचते हैं कि पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो मैं गोली खा लूँ। तो फ्रेंड्स, ये भी एक तरह का एडिक्शन है। तो फ्रेंड्स, अब आप खुद सोचिए, इस तरह के जो एडिक्शंस हैं ये हमें किसी भी तरह से कोई फ़ायदा पहुँचा रहे हैं? ऑफ कोर्स नॉट। आई होप यू अंडरस्टैंड, एडिक्शन मतलब जब आप इंटरनेट को सही मायने में यूज़ करते हैं तो वो एडिक्शन नहीं है, लेकिन जब आप इंटरनेट यूज़ करते हैं और आप अपना इम्पॉर्टेंट काम भूल जाते हैं तो वो डेफिनेटली एक एडिक्शन है फ्रेंड्स। और इसी तरह से जब आप कुछ खा रहे हैं, आपको खाते समय नरिशमेंट मिल रही है तो वो एडिक्शन नहीं है, लेकिन खाते समय सिर्फ आप अपने टेस्ट के लिए खा रहे हैं जिससे आपको पता है कि आपको इन फ्यूचर लॉन्ग टर्म में कुछ ना कुछ नुकसान ही होगा, लेकिन फिर भी आप खा रहे हैं, तो फ्रेंड्स वो डेफिनेटली एक एडिक्शन है। तो मैं कुछ ऐसे टिप्स, ट्रिक्स और मेथड्स आपके सामने लेकर आया हूँ जो कि शायद आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होंगे। तो फ्रेंड्स, हियर वी गो। एजुकेशन, तो सबसे पहले फ्रेंड्स, एजुकेशन, हमारे जो एडिक्शंस हैं उसके बारे में हमें एजुकेट होना बहुत ज़रूरी है। हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि वो एडिक्शन हमारे साथ क्या कर रहे हैं, हमारी वैल्यू को किस तरह से कम कर रहे हैं और हमें किस तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस तरह से एजुकेट होना फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमें ये पता होना कि हमारे एडिक्शंस हैं क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें यही नहीं पता होगा कि हमारे एडिक्शंस हैं तो हम डेफिनेटली उस पर वर्कआउट नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, एजुकेट योर सेल्फ अबाउट एडिक्शन। इसके अलावा फ्रेंड्स, कुछ हेल्दी हैबिट्स हैं, कुछ हेल्दी हैबिट्स जैसे कि अच्छा खाना, अच्छा सोना, इस तरह से कुछ हेल्दी हैबिट्स हैं जो कि आप वेल मेंटेन रखें तो फ्रेंड्स एडिक्शन को डी एडिक्ट करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। बॉडी लेवल पे मैं कह रहा हूँ, अगर जैसे मान लीजिए आप अच्छी स्लीप, आपको जब अच्छी स्लीप मिलती है तो आपका दिन एनर्जेटिक होता है। इसके अलावा अच्छा खाना, कोई नरिशमेंट वाला खाना, सुबह का जो मील है फ्रेंड्स वो आप नरिशमेंट वाला लें, आप जंक फूड सुबह सुबह कभी मत खाएं। और टेक गुड गुड फैट फूड्स लाइक मेंटल फूड भी हम जो लेते हैं सुबह, सबसे पहले अगर हम न्यूज़ सुन रहे हैं या न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या कुछ ऐसा नेगेटिव थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं तो फ्रेंड्स डेफिनेटली वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो फ्रेंड्स, उसको आप कंप्लीटली अवॉइड करें या फिर उसको थोड़ा कम कर दें। गेट इन्वॉल्व इन समथिंग यू केयर अबाउट फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस चीज़ के बारे में आप केयर करते हैं आप उस चीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व रखें, कुछ ऐसा कार्य करें जिसमें आपको रियल में मीनिंगफुल महसूस होता है, कुछ ऐसा लगता है कि आप कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऐसा काम करें ताकि आपके एडिक्शंस आपका ध्यान भटका ना पाएं। स्टे क्लोज टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। अब यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा, फैमिली और फ्रेंड्स जब आप इनके क्लोज होते हैं, आत्मीयता, जब इनसे क्लोज आप इमोशनली जुड़े हैं राइट, तो आप जब इनके साथ क्लोज होते हैं तो आप एडिक्शंस के बारे में भूल जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कई बार कुछ ऐसे फ्रेंड्स भी हमारी लाइफ में आते हैं जो कुछ नेगेटिव इमोशंस से जुड़े होते हैं, तो आप उन्हें अवॉइड कर सकते हैं। आप कुछ ऐसे लाइवली फ्रेंड्स का एक पीयर ग्रुप बनाएं
जो आपकी तरह लाइक माइंडेड थॉट्स रखते हों और आपकी तरह एक ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच रखते हों, आपको आगे लेके जाए ना कि पीछे धकेले। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको बहुत माइंडफुल होना पड़ेगा कि किस टाइप के फ्रेंड्स को आपने चूज करना है। इसके अलावा फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेल्फ केयर। फ्रेंड्स, जो भी हम अपनी सेल्फ केयर बॉडी लेवल पे करते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जब भी हम कुछ ऐसा फील कर रहे होते हैं, जब आपको मन कर रहा होता है कि कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा, तो फ्रेंड एक कोल्ड वाटर शावर आप ले सकते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही नरिशिंग होगा। इसके अलावा अपने जो कई बार नेल कट्स करने हैं या फिर अपने छोटी छोटी सेल्फ केयर के लिए जो हम काम करने होते हैं, वो अगर हम डेली मतलब ऐसे टाइम में करें जब आपके पास खाली टाइम है, तो फ्रेंड्स इससे क्या है, आप अपनी सेल्फ केयर भी कर लेंगे और उसके साथ ही आप एडिक्शंस की तरफ ध्यान जो है नहीं जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, आइडेंटिफाई योर पर्सनल ट्रिगर्स। हमारे बहुत सारे ऐसे ट्रिगर्स हैं जो कि हमें एडिक्शंस की तरफ लेकर जाते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, हमें कुछ अचानक से एक खुशबू आ गई जो कि एकदम से ट्रिगर किया हमें कुछ ऐसा जंक खाने के लिए जो कि हमें नहीं खाना चाहिए, लेकिन फिर भी हम खाते हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम इनके बिना रह नहीं पाएंगे। और इसी तरह से फ्रेंड्स, जो कि हम इंटरनेट पे कई बार ऐसी स्लाइड्स देखते हैं या कुछ ऐसा देखते हैं जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब ऐसा फील होता है कि ये तो देखना बहुत ज़रूरी है, तो फ्रेंड्स वहाँ पे हम अटक जाते हैं और अपना टाइम भूल जाते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स, अपने ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करें। ज़्यादातर सोशल मीडिया जो है एक बहुत बड़ा ट्रिगर है। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आती है, एकदम क्रेविंग होती है कि अपने फ़ोन की तरफ जाएं और चेक करें कि नोटिफिकेशन किस चीज़ की आई है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, अपनी क्रेविंग्स को आइडेंटिफाई करें और अपने ट्रिगर्स को सोचें और अपने ट्रिगर्स को कॉप अप करने के लिए जो भी आप कर सकते हैं वो करें। इसके अलावा फ्रेंड्स, अवॉइड स्ट्रेस। फ्रेंड्स, हमें सबसे ज़्यादा एडिक्शंस की ज़रूरत या फिर एक तरह से सपोर्ट तब मिलती है जब हम स्ट्रेसफुल होते हैं। फ्रेंड्स, मैंने कई बार गौर किया है, हमारी वर्क लाइफ में, हमारी स्कूल लाइफ में या फिर हमारे घर के अंदर भी कई बार जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होते हैं तो हमें इमीजिएटली कुछ अच्छा एहसास करने की एक लत होती है। हमें ऐसा लगता है कि इमीजिएटली मुझे ये जो फीलिंग आ रही है स्ट्रेसफुल वाली, वो कैसे भी करके मुझे दूर करनी है। तो उसको दूर करने के लिए फ्रेंड्स, हमें इमीजिएटली जो सुकून देती है वो हमारी एडिक्शन है। तो ज़्यादातर हम एडिक्शन की तरफ भागते हैं जैसे ही हम स्ट्रेस को रिलीव करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सारे स्ट्रेस को रिमूव नहीं कर सकते, लेकिन फ्रेंड्स फिर भी इसके लिए आप माइंडफुल रहें। आपको कुछ जो सिचुएशंस स्ट्रेसफुल करती हैं, आप उन्हें आइडेंटिफाई करें और उसके लिए आप कुछ ऐसे टूल यानी कि कुछ ऐसी तकनीक यूज़ कर सकते हैं जो कि आपको फ़ायदेमंद होगी। जैसे कि इमीडिएटली आप उस सिचुएशन से चले जाएं कहीं और, या फिर आप अपना मुंह धोएं, या फिर आप एक कोल्ड शावर ले सकते हैं तो कोल्ड शावर लें, एक वॉक पे जा सकते हैं तो शॉर्ट वॉक पे चले जाएं, या फिर एक ब्रेक ले सकते हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ कर सकते हैं जो कि आपको एक वाटर वाटर थेरेपी, जब भी आप वाटर पिएं तो एक अच्छी सोच के साथ उस वाटर को वाइब्रेशन देकर आप उसको पिएं, तो डेफिनेटली फ्रेंड्स आपका जो फीलिंग्स हैं वो तुरंत भाग जाएंगी। तो इस तरह से कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स जो है आप जो भी आपके लिए सूटेबल हो आप कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, पुल इन अदर्स हेल्प। जब भी हम किसी दूसरे पर्सन की हेल्प करते हैं तो फ्रेंड्स एक बहुत ही ज़्यादा सुकून का एहसास होता है, कुछ अच्छा फील होता है। तो फ्रेंड्स, जब भी कोई ऐसा पर्सन हमारे सामने आए जो नीडफुल है, आप उसकी हेल्प करें, किसी भी छोटे रूप में या बड़े रूप में आप उसकी हेल्प करें। इस तरह से फ्रेंड्स, कोई भी मुसीबत में है आप एटलीस्ट उससे एक चार वर्ड्स अच्छे बोल लेंगे तो उसको अच्छा रिलीफ महसूस होगा। या फिर कुछ ऐसा मान लीजिए कोई ऐसी जगह पे आप जाते हैं जहाँ पे कोई वो कुछ बहुत गरीब लोग रहते हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको आप कुछ ऐसी चीज़ जो कि उनके लिए ज़रूरी है आप उनके लिए एक गिफ्ट ले सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स, कुछ अच्छा फीलिंग जब आती है तो हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम कुछ और अच्छा काम भी करें। इसके अलावा फ्रेंड्स, स्टे बिजी एंड मोटिवेटेड। आप अपने आप को बिजी रखें। जब भी आप खाली होते हैं तो फ्रेंड्स, खाली दिमाग शैतान का घर। तो बहुत सारी ऐसी टाइम होते हैं जब हमारा दिमाग खाली होता है
तो अपने शेड्यूल को इस तरह से बिजी रखें ताकि हम जो भी काम करें उसमें हमारा एक तो मन लगे और साथ में मोटिवेशन मिले। हम रियली में कुछ क्रिएटिव करते हैं ना फ्रेंड्स, तो हमारे दिल को बहुत अच्छा लगता है, हमें ऐसा लगता है कि वी हैव डन समथिंग वर्थ वाइल। और जो दूसरों से या फिर अपने आप से भी एक अच्छी खुशी का एहसास सुनने को मिलता है तो उसकी कोई तुलना नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, कभी भी अपने आप को खाली मत रखें। जैसे ही आप खाली हों, आप एटलीस्ट कम से कम फ़ोन तक तो रीच आउट मत करें। आप खाली होते हैं फिर एकदम फ़ोन पर चले जाते हैं और अपने आप को वही चीज़ों के लिए स्क्रॉलिंग करते हैं जिसके लिए आप एडिक्टेड हैं, और वो आप डीप एडिक्शन बढ़ता चला जाता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे टाइम में अपना एक टू डू लिस्ट तैयार रखें, एक चेक लिस्ट तैयार रखें, कुछ ऐसे काम जो कि आप बहुत टाइम से पेंडिंग रख रहे हैं, आप उनको उस टाइम पर करें। आप एटलीस्ट 5 मिनट्स उस काम को करें, आप बोलें कि मैं 5 मिनट ये काम ज़रूर करूँगा, उसके बाद मैं अपने एडिक्शंस को एक मतलब एक तरह से टालने की बात करें कि अपने एडिक्शंस को मैं टालूंगा, एटलीस्ट 5 मिनट्स में ये काम करूँगा। तो इस तरह से कुछ ऐसे काम आपके पास रेडी होने चाहिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये मेरा आज का वीडियो था और आई होप इट समहाउ हेल्प यू। किसी भी तरह से एक छोटी सी बात भी अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, और प्लीज़ हिट द लाइक बटन ऑल्सो एंड शेयर माई वीडियोज़ इफ़ यू लाइक देम। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय।